अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 8 का पावर दे दिया हुआ है एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 to the power 2x plus 1। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे जो गिवेन है ना उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 8 का पावर x plus 1 इज इक्वल्स टू 64। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे जो बेस आपको 8 है ना, तो क्या हम 64 को 8 के पावर में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो अभी देखोगे यहाँ भी 8 है और इस साइड भी 8 है, यानी कहने का मतलब कि बेस दोनों जगह सेम है, तो पावर भी जो है ना ये यहाँ पे पावर है एक्स प्लस वन और यहाँ पे टू है, ये भी दोनों क्या होगा आपस में सेम होगा। सो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, 2 माइनस 1 यानी 1। तो एक्स का वैल्यू हमें 1 मिला है ना। अब इस 1 को क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करना है 3 to the power 2x plus 1। यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 1 यानी 3 का पावर हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी 3। तो 3 क्यूब हो गया आपका 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ, इफ यहाँ दिया हुआ 2 क्यूब और ये होल स्क्वायर दे दिया हुआ, ठीक है ना, इक्वल टू 4 का पावर x। देन आपसे पूछ रहा है 3 का पावर x क्या होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये दे दिया हुआ है 2 क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है इक्वल टू 4 का पावर x। तो देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये पावर फॉर आपस में इंटू होगा, 3 टू 6 हो गया। अब यहाँ पे बेस आपका 2 है ना, तो इस 4 को भी मैं 2 में कन्वर्ट करूँगा, तो हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x यानी 2x हो गया। अब दोनों साइड देखो तो बेस आपको सेम दिख रहा है, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, 6 by 2 यानी 3। x का वैल्यू क्या मिला, 3। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 3 का पावर x है ना, तो 3 का x का वैल्यू क्या मिला, 3। तो ये हो गया 3 क्यूब हो गया 27, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछ रहा है कि इफ़ एक्स का पावर -2 इज इक्वल्स टू 64। तो पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये दे दिया हुआ है गिवन है ना। देन आपसे पूछ रहा है एक्स का पावर 1/3 प्लस x^0। तो x^0 मीन्स ये तो हो जाएगा 1 है ना। तो फिलहाल पहले इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखोगे यहाँ पे एक्स का पावर -2 है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x और ये होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि -1 का मतलब हो गया यहाँ जो नीचे 1 है ये ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तब दोनों साइड देखो आपका पावर सेम है, तो बेस भी क्या होगा भाई, सेम होगा, तो 1/x इज इक्वल्स टू 8 मिला। सो x का वैल्यू हो जाएगा 1/8। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1/8। अब इस 1/8 को यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 का पावर 1/3 प्लस 1/8 का पावर 0। तो देखो यहाँ पे 1/8 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3, ठीक, और इनटू 1/3 है और प्लस किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो ये 1 होता है। तो ये 3 से ये 3 गया तो बचा क्या, 1/2 और प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 2 plus 1 यानी 3/2, यानी आंसर हो जाएगा फिर 3/2 इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ ए 2/3 पावर x इंटू 3/2 का पावर 2x इज इक्वल्स टू 81/16। देन x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 81/16 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2, 3, 3, 2 है ना, तो एक काम करते हैं इसको भी 2 और 3 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 होगा और ये 2 का पावर 4, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का होल पावर 4, ठीक है यहाँ तक। तो इस साइड देखोगे बेस आपको मिला क्या, 3/2, तो इसको भी हम 3/2 इधर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 3/2 तो है बट इसको नहीं, ये नहीं है ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको एक काम करते हैं 3/2 लिख लेते हैं, तो यहाँ प्लस एक्स था ना, बस इसको यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है,
और ये हो गया 3/2 पावर 2x इजिकल्स टू 3/2 पावर 4 है। तो देखो अब बेस सेम हो गया, इंटू है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 3/2 और ये माइनस एक्स प्लस 2x यानी x होगा और ये हो गया 3/2 का पावर 4। अब दोनों साइड देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा भाई, सेम होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 4, और आपसे पूछा था x का वैल्यू ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा फिर 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, इफ एक्स इजिकल्स टू 2 एंड वाई इजिकल्स टू 4 देन इसका वैल्यू पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे जहाँ एक्स और वाई है एक्स के प्लेस में 2 और वाई के प्लेस में 4 पुट करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये देखोगे यहाँ पे हो जाएगा 2 इसके प्लेस में, सो 2/ ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 2-4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे अब 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा फिर 2 और ये हो जाएगा 4-2। ठीक है यहाँ तक देखो इसको छोटा करते हैं तो ये हो गया 1/2 और ये पावर में हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो गया, इसको छोटा करोगे तो ये 2 हो गया, सो 2 का पावर 4-2 यानी 2² हो जाएगा फिर। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस को हटाने के लिए ये ऊपर नीचे कर देंगे, ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 2/1 2 ही होगा और ये माइनस कैंसिल होकर अब यहाँ बचा 2। ठीक है, सो ये 2² प्लस 2² तो 2² होता है भाई 4, अब प्लस अगेन 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।